बांसीपुरा मोड में फल की दुकान में लगी भीषण आग, दुकानदार को हुआ लाखों का नुकसान। बांसीपुर आरा मोड़ रेलवे लाइन के समीप इमरान कुरैशी की फल दुकान में आग लगी की घटना घटी। बताया जाता है कि बीती रात किसी असामाजिक तत्व के द्वारा फल की दुकान में आग लगा दी गई, जिससे दुकान में रखे लाखों रुपए के फल और दुकान जलकर राख हो गई। वहीं आसपास के लोगों में यह चर्चा का विषय है कि दुकान को असामाजिक तत्वों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए दुकानदार इमरान कुरैशी उर्फ चुन्नू ने बताया कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, जिसे देखते हुए कल ही लाखों रुपए के फल दुकान में लाकर रखा था। आग लगी की घटना से मुझ गरीब को लाखों का नुकसान हुआ है और मुझ पर कहर बरपा है, जिसे लेकर मैं काफ़ी परेशान हूँ। वहीं जन अधिकार पार्टी के नेता मुर्तजा आलम ने बताया कि आग लगी की घटना नहीं है बल्कि ये लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से हमने आग्रह किया है कि बांसीपुर आरा मोड़ क्षेत्र के आसपास पेट्रोलिंग गश्ती नहीं आती है। अगर पेट्रोलिंग गश्ती की वाहन पेट्रोलिंग करेगी तो शायद भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। ऐसे क्या घटना हो गया सर आपके दुकान पर? रात में कोई आग लगा दिया दुकान में और हम देखे नहीं किसी, वही पता कर रहे हैं हम कौन की। कितने का नुकसान हुआ होगा सर अभी तक आपका? क्या क्या सामान था यहाँ पे? बहुत सामान। क्या रमजान की तैयारी भी चल रही थी, उस बीच में आपका बताया जा रहा कि सामान आया था कुछ? हाँ, कल ही लाए थे सामान। क्या किसी पे शक है सर? वही तो पता कर रहे हैं। लिखी शिकायत किए क्या? नहीं अभी किए नहीं है, मगर थाना वाले बोल रहे थे कि लिख के दीजिए, तो देखे नहीं तो कैसे किसको बोल देंगे। थाना को सूचना दिए? थाना रात में खुद आग बताया। कितने बजे की घटना है ये? 2:30 बजे का टाइम। कितने का नुकसान है सर आपका? नुकसान मेरा 1 लाख का लमसम का नुकसान है। कब जानकारी हुआ और कैसे जानकारी हुआ? आए हुए जानकारी हुआ रात में, बगल वाला हमको फ़ोन करके बुलाया कि आपके दुकान में आग लग गई है। अपना परिचय दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इनाम कुरैशी हुआ।